हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइस, रियलमी के C25i डिवाइस के बारे में। एंड गाइस, आज का मैं टॉपिक होने लगा गाइस वो है लैंग्वेज कीबोर्ड सेटिंग के बारे में अपन बात करेंगे। मैं आपको अच्छी वीडियो में बताऊंगा कि अपने डिवाइस में गाइस किस प्रकार से कीबोर्ड की जो लैंग्वेज रहती है गाइस, एंड थीम्स रहती है, एंड इमोजीज रहते हैं गाइस, एंड काफ़ी सारी जो सेटिंग्स रहती है उसमें, उसको किस प्रकार से जो है गाइस अपने डिवाइस में ऑन कर सकते हैं कीबोर्ड में गाइस, मैं आपको आज की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, बात करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, एंड गाइस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं अपन की सेटिंग में और बात करते हैं इसके टॉपिक के बारे में गाइस। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखिए सेटिंग को ऑन कर लेना अपने डिवाइस की, एंड यहाँ पे आपको देखिए सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। एंड आपको फर्स्ट नंबर पे गाइस आपको लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का, भी इस पर क्लिक करेंगे, एंड फिजिकल इस कीबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पे देखिए आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर काम करना है। एंड आपको देखिए जी बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट नंबर पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने जो है कीबोर्ड की लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। एंड गाइस थर्ड नंबर पे थीम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको जो थीम का सिलेक्ट करना है अपने कीबोर्ड के लिए। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था इमोजी एंड स्टिकर एंड गिफ, आप यहाँ से इसको सेटिंग को ऑन कर लीजिए। देखिए आपके आपके कीबोर्ड में गाइस अगर इमोजी नहीं आ रहे हैं या फिर कोई भी जो रहता है स्टिकर नहीं आ रहे, फिर अभी जो गिफ्ट नहीं आ रहे, तो आप इसको यहाँ सेटिंग को ऑन कर सकते हैं गाइस देखिए। एंड उसके बाद आपके फ़ोन की जो कीबोर्ड है पूरा एकदम से चेंज हो जाएगा इस। एंड यहाँ पे आपको देखिए डिक्शनरी का ऑप्शन मिलेगा, क्लिप बोर्ड का, वॉइस टाइपिंग का, ग्लाइड टाइपिंग का, एंड टेक्स्ट करेक्शन का, एंड थीम का, प्रेफरेंस का, एंड काफ़ी सारे आपको जो है गाइस इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे अपने कीबोर्ड को ठीक करने के लिए। एंड गाइस यहाँ से आप अपने कीबोर्ड को एकदम से न्यू कर सकते हैं, यानी कि उसको जो चेंज कर सकते हैं गाइस। काफ़ी मस्त सेटिंग थी कीबोर्ड के बारे में गाइस, सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।